हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 18 नवंबर है, मंडे का दिन है और जो शेयर लेके आए थे यस बैंक लेके आए थे। यस बैंक कहीं ना कहीं बीरिस पोजीशन है, वीकनेस दिख रहा है। आज देखेंगे, आज 6585 पे एनएससी पे क्लोज दिया हुआ है, वॉल्यूम 1,78,000 का है और आज जो डे हाई था वो 6925 का था और लो 6550 का है, 40 का। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे भी जा करके देखेंगे तो कहीं जहाँ इसको क्लोज होना था 6691 के ऊपर होना था, वो वहाँ पे क्लोजिंग 6585 पे वीकनेस की ओर क्लोजिंग होते हुए दिखा रहा है। तो यस बैंक में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा वीकनेस नहीं है, इसको सपोर्ट है। ये जाकर के कहीं ना कहीं आपको 62 के पास, 60 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वहाँ नहीं लेता है तो 55 के आसपास उसको सपोर्ट वापस मिल सकता है। एनएससी में जाकर के अगर देखें, इसके डिलीवरी पोजीशन पे देखें तो कहीं ना कहीं 18% की डिलीवरी हो रही है आज भी, जहाँ लेकिन वॉल्यूम वेटेड 6585 हो रहा है। तो ये डिलीवरी बेस्ड हो सकता है, इसमें सेलिंग भी बन रही है। अगर ये आप देखें 4 नवंबर से लेकर के, तो अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है। 1,95,00,000 का भी बना था 4-14 तारीख को, उसके बाद देखेंगे 1,29,00,000 और वहाँ से कहीं ना कहीं पोजीशन जो हो रहा है 3,17,00,000, ये डाउन पोजीशन की ओर हो रहा है। तो डिलीवरी बेस्ड कहीं ना कहीं सेलिंग की पोजीशन ऐसा दिखता है। अगर इसके जाके डेरिवेटिव में पोजीशन देखें तो आज जहाँ पे हाई गया था 68.95, लो था 65 का और कहीं ना कहीं देखेंगे 57,00,000 का सेल हो रहा है 25,00,000 की बाइंग ऑर्डर बुक में। और जो लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड हो रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है -46 है, तो लॉन्ग पोजीशन जो है उसको कहीं ना कहीं अनवाइंड किया जा रहा है। अगर इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो चार्ट पे आप देखेंगे ये एक जो डेली बेसिस का चार्ट है, एक यहाँ पे इंडिसेसिव कैंडल है, फिर लोअर है और उसके लोअर ही क्लोज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस रेसिस्टेंस को तोड़ के एक बार 62 पे इसको सपोर्ट है वो लेगा। और RSI भी देखें, RSI 55 के आसपास है, 40-55 अच्छा है। और अगर इसको MACD लाइन को देखें, MACD लाइन यहाँ पे क्रॉस ओवर बना रहा है, ये क्रॉसओवर एक सिग्नल बेरिस का यहाँ पे भी देता है। इस बैंक को अगर बोलिंगर बैंड में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक 62 पे इसको सपोर्ट है, तो 60 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है, नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट इसको जो है यहाँ पे देखें तो 46-50 पे है, जो इतना नीचे तो नहीं जाएगा, 50 के आसपास आकर के फिर सपोर्ट लेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई है तो यहाँ पे उसके इनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाय करके फिर उसको एक बार करके रख सकते हैं। अगर स्टॉकेस RSI भी देखेंगे तो ये यहाँ से क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक में एक बेरिश पोजीशन बन रही है। अगर डेरिवेटिव में जाकर देखें तो 6575 पे क्लोज हुआ है 18 नवंबर को, आज 28 नवंबर की एक्सपायरी को देख रहे हैं, इधर पुट है इधर कॉल है। तो कहीं ना कहीं आप देखें 65 पे ऊपर में, आप देखें 65, 70, 74 सब जगह इस पे, इनफैक्ट 60 पे भी 2,33,000 से इसको शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है और सबसे ज़्यादा 65 पे आज ही के दिन पोजीशन बना है, कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है, मैं ऊपर जाना प्रॉब्लम लग रहा है और 55 से अनवाइंड हो रहा है, मतलब लगता है 55 के भी नीचे नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको 55-60 के रेंज में हो सकता है आपको यहाँ पे रहते हुए दिखाई दे और यहीं पे 55 पे पोजीशन आप देखेंगे 4,86,000 का बन रहा है और पुट में ऊपर की ओर अनवाइंड हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 55-60 का रेंज जो है आपको हो सकता है, इनफैक्ट अगर देखेंगे तो 50 पे अनवाइंड हो रहा है 1,65,000, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट पोजीशन 78,56,000 का कहीं ना कहीं 50 पे है। तो लग रहा है कि 50-65 के रेंज में ये यहाँ पे इस मंथ की क्लोजिंग आपको देते हुए दिखेगा और इस मंथ की क्लोजिंग हो सकती है ऊपर कॉल में। अभी तो इस वीक की पोजीशन तो यही है कि यहाँ पे इस वीक में तो लगता है कि शॉर्ट की पोजीशन ही बनेगी। और तो 60 का पुट देखें तो 2.90 रुपये पे मिल रहा है, ये एक पोजीशन हो सकता है, स्टॉप लॉस 1 रुपया का लगा दें और आप चाहें तो स्टॉप लॉस पेपर ट्रेडिंग करें, डेरिवेटिव में करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, मेरे कहने से कोई भी बाय और सेल की पोजीशन नहीं बनाए। देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल की क्वांटिटी थी 7,10,000 है जबकि बाय की क्वांटिटी 8,58,000, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस में है 1%। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6575 पे जो 2,200 का लॉट होता है, हाई बना 3.35 का, 2.15 का लो था और 2.85 के 2.90 के 35 पैसे की क्लोजिंग देते हुए देता है, लगभग 2,266,600 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चाहे तो आप इसमें पुट की ओर देख सकते हैं, हो सकता है आपको 60 की ओर जाता हुआ जाए तो आपको, लेकिन यहाँ पे डेज इंपॉर्टेंट है, डेज कम है, इसके लिए आपको यहाँ पे डेज वैल्यू चला जाएगा, हो सकता है
तो 1 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 60 के पुट को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको यहाँ से 3-3.5 रुपए तक, अगर ये 55 तक है तो 4 रुपए तक आपको 4.5-5 रुपए तक देके जाएगी। तो यहाँ से लगभग डबल होने की संभावना है, 60 का है 29 का डबल, 290 का 580 तक भी, 6 रुपए तक भी जा सकते हैं। लेकिन वो है कितने फास्ट में वो फॉल होता है। अगर फॉल फास्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे स्लो मूविंग में हुआ, फिर नेक्स्ट वीक में अगर ऊपर की ओर ले लिया तो प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आप 1 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 के पुट को पेपर ट्रेड कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप 75 के कॉल को भी चाहें तो इसमें अगर 2.55 रुपये है तो 2.55 रुपये में ये मिल रहा है और 2.90 रुपये पर आपको पुट की बाइंग हो रही है। तो एक पुट की पोजीशन बनाएं और दो यहाँ पे एक कॉल को राइट कर दें तो दोनों फायदे रहेंगे। तो दोनों नेट मिलाकर के आपको 45 पैसे का इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ पे चाहें तो ये अच्छी पोजीशन है, ये कि इसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है और इसकी वैल्यू यहाँ से और नीचे की ओर जा सकती है। तो डेज एंड वाइंडिंग 75 अगर नहीं जाता है तो आप ये वैल्यू भी अच्छा खासा, ये इस तरह से ट्रेडिंग से भी आपको फायदा हो सकता है। बाकी पेपर ट्रेड करें, वॉच लिस्ट में रखें, मेरे कहने से कोई भी बाइंग और सेलिंग पोजिशन नहीं बनाए। तो यस बैंक बेरिश व्यू है कुछ दिन के लिए, अगर ये 50-55 के पास मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए ये 90 जाना है, इससे कोई नहीं रोकेगा। 90-90, 140-77 का एक बार ये क्रॉस करता है तो 77 क्रॉस करते ही 90 जाएगा और 90 के बाद आपको 140 जाते हुए भी दिखेगा। 100 एक बार क्रॉस करता है तो 140 की ओर ही जाएगा ये। तो अगर 50 पे मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स में कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहले भी बताया था आज भी बता रहा, बैंक अच्छा सेक्टर है, फिर भी इस पे बाइंग पोजीशन बनने से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।